भाई भाई भाई, इसे कहते हैं ऑफ रोड। तो ये है गाइस वो सीक्रेट प्लेस जहाँ पर हम आए थे। देखिए अंदर जितना जाओगे आप उतना खोल होते जाएगी। कितना प्यारा लग रहा है पीछे की साइड में देखिए। तो अभी तक गाइस मैं नीचे था लेकिन अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर चढ़ जाएंगे। और ऊपर चढ़ने की गाइस कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज हम जा रहे हैं फुल एडवेंचर ट्रिप के ऊपर। आज हम जाएंगे जंगल में, कुछ नदियाँ क्रॉस करेंगे, कुछ माउंटेन चढ़ेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आज हमारे साथ में है देवा भाई, हाय, वीरू भाई। तो हम तीन ही लोग जा रहे हैं। तो मेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ FZ, और ये है वीरू भाई की गाड़ी। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, फुल एडवेंचर होने वाला है। और जो जगह जा रहे हैं वो मुझे भी पता नहीं है। तो एक नई जगह है, तो ये लोग गए थे, इन्होंने देखा था, इनको काफ़ी पसंद आई है, तो बोले यार चलो वहीं जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे, एंजॉय करेंगे। तो मैंने चलो ठीक है। ये गाइस हमारे यहाँ से नेपा नगर से चांदनी रोड, और इसमें मोड़ इतने ज़्यादा है ना गाइस, मज़ा आ जाती है। मतलब गाड़ी ड्राइव करना है तो एक नंबर मज़ा आता है। और अभी गाड़ी भी मैं ही चला रहा हूँ और शूटिंग भी मैं कर रहा हूँ। और हमारे साथ में वीरू भाई और यहाँ पीछे आ रहे हैं गाड़ी से, देखिए दो गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। अभी देखते हैं वहाँ पे कितनी देर में पहुँचते हैं। और फुल एडवेंचर है, मज़ा बहुत आने वाला है गाइस यहाँ पे। अभी जस्ट हमने चांदनी गाँव क्रॉस किया है, और देखते हैं इसके पास पास में से कैसे रास्ता है। और वो रास्ता जो है वो वीरू भाई को पता है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाना है। तो मैं आपको पूरा रास्ता भी बताते चलूँगा कि कहाँ कहाँ से हमको जाना है अंदर। तो एक अंदर जाएगा रास्ता, उस रास्ते से हमको अंदर जाने का है। तो रोड पे चांदनी से थोड़ा सा आगे जाने के बाद अब हम घुसेंगे जंगल के अंदर। तो यहाँ से होने वाला है हमारा फुल एडवेंचर। तो अभी तो हम चल रहे हैं चांदनी रोड पर, और देखते हैं कहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि अंदर कहाँ से जाना है। वो वीरू भाई को पता है, और वो नहीं गए अभी आगे, वो जा रही है उनकी गाड़ी आगे। और इस जंगल की एक ख़ास बात ये है, और एडवेंचर भी इसलिए हो जाता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों एडवेंचर हो जाता है गाइस। देखिए ये ऐसे बोर्ड आपको नेपा नगर में जगह जगह मिल जाएंगे जब आप रोड पर चलोगे। तो गाइज रोड पर जितना एंजॉय कर रहे थे वो एंजॉय हमारा हो चुका है, क्योंकि अब लगने वाला है फुल एडवेंचर ट्रिप, यहाँ से स्टार्ट होती है गाइज। तो ये है अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ से अब हमको पूरा कच्चा कच्चा अंदर जाना है, मतलब अब रोड हो गया ख़त्म। गाइज यहाँ से हो जाता है बहुत ख़राब रास्ते की शुरुआत, बहुत ही ख़राब रास्ता है गाइज, जंगल ही जंगल। इसे कहते हैं गाइज फुल एडवेंचर। और मेरे साथ में कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेला हूँ। तो मैंने अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने किया कैमरे को डाल दिया है मेरी टी शर्ट के अंदर, तो हो सकता है कि आपको विजिबल उस तरीके का नहीं हो। भाई साहब नदी क्रॉस करना पड़ेगी। काफ़ी मज़ा आने वाली है गाइस, इस जगह पे फुल एडवेंचर होने वाला है अब, होने वाली है यहाँ से नदी क्रॉस। तो गाइज ये नदी अभी क्रॉस कर रही है वीरू भाई, अब मैं करता हूँ, मज़ा आने वाली है गाइज, मज़ा आने वाली। ओ भाई भाई भाई, इसे कहते हैं ऑफ रोड। और मुझे रास्ता पता नहीं है, और इनको रास्ता पता है इसलिए ये आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ इतनी धूल उड़ा रहे हैं गाइज, ये पूरी आंग पे धूल धूल कर दिए मेरे गाइज। अभी हम चल रहे हैं पूरे जंगल के अंदर, ना बंदा ना बंदे की जात, इस तरीके का रास्ता है। इसीलिए तो मैंने बोला था आपको कि एक ऐसी जगह जा रहे हैं हम जहाँ पे पूरे YouTube में इसके पहले कभी इसका वीडियो नहीं बना है, मतलब ये पहला वीडियो रहेगा, किसी ने भी इसके पहले इसका वीडियो नहीं डाला है। हाइडन जगह है गाइस, लेकिन रास्ता देखिए, रास्ता भी उतना ख़तरनाक है, पूरा जंगल ही चल रहे हैं हम।
और यहाँ से रास्ता देखिए कितना ख़राब रास्ता है गाइस। और मुझे डर भी लग रहा है कि मेरा कहीं कैमरा नहीं गिर जाए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऑन रख के रखा हूँ मैंने। तो गाइस अब जो ऑफ रोडिंग हम अभी तक कर रहे थे वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब पहले रोड ख़त्म हुआ फिर अब ऑफ रोड जो हम गाड़ी चला रहे थे वो भी ख़त्म हो चुका है, और अब इसके आगे पैडल ट्रैक करेंगे। चले दे भाई चलो। तो चलिए अब इसके आगे का जो रास्ता है गाइस वो पैदल पैदल पहुँचना है, और सामने ही देखिए एक नदी पड़ गई है, अभी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको क्रॉस करने के लिए देखते हैं, नहीं तो हमारे तो पूरे शूज़ गीले हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इधर से चलते हैं। हाँ इधर से चलो। और सबसे पहले हमारा अभी काम है नदी क्रॉस करना, और उसके बाद फिर जाएंगे हम उस जगह पे दिखाने वाला आपको, आपको मज़ा आने वाली है। मतलब इस जगह को अभी तक यूट्यूब पे किसी ने डाला नहीं है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए भी। तो अभी पहुँचने ही वाले हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से पहले हम नदी क्रॉस कर ले, यहाँ पर पहले फटाक से हम नदी क्रॉस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में तो हमारी नदी क्रॉस हो चुकी है, और अभी चल रही है हमारी सिर्फ पैदल ट्रैकिंग। और फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पर हम आना चाहते थे, और इस जगह की खूबसूरती देखिए, अभी हम नीचे भी जाएंगे और वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ गाइस टॉप के ऊपर, और देखिए गाइस ये है हाइडन प्लेस। तो गाइस देखते हैं उधर आगे जाके नीचे उतरने की जगह कहीं पर है क्या, कि अंदर जितना जाओगे आप उतना खोल होते जाएगी। तो उधर आगे भी जाएंगे वहाँ भी जाके देखेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा घूमते हैं देखते। तो गाइस अभी हमने रख दिया हमारा बैग वहाँ पर, और देवा भाई थोड़ा सा आराम कर रहे, थक गए हो। तो अब हम जाएंगे और आपको दिखाता हूँ प्लेस, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इधर पीछे साइड में है लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो पहले वहाँ जाएंगे और फिर देखिए अंदर ऐसा लगता है जैसे गाइस इसमें गुफा है। और हमने ट्यूब लेके नहीं आया, अगर ट्यूब लेके आते ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन पहले मैं यहाँ से उतर जाऊँ। यहाँ से गाइस पहले हम उतरेंगे और जगह देखेंगे, तो पहले हम उस साइड पार हो जाएगा गाइस, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो अभी मेरे को जगह देखना है पहले, तो यहाँ से थोड़ी सी जगह है लेकिन कूदना पड़ेगा यार गाइस, देखते हैं कूद तो जाएंगे हम। और अब जाएंगे हम उस जगह पे, लेकिन जगह थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पर जगह नहीं है चलने के लिए। और फाइनली अभी हम पहुँचने वाले हैं उस जगह पे, तो आपको दिखाता हूँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है गाइस। तो ये है गाइस वो प्लेस जहाँ पर हम आना चाहते थे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस। तो चलिए अब आगे जाएंगे और आपको दिखाता हूँ नीचे से, और वो देखिए ऊपर वीरू भाई खड़े। वीरू भाई हाय। तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं नीचे के पास में, और यहाँ पर गाइस पानी देखिए कितना खोल है, आपको करीब से दिखाता हूँ, तो बहुत ही खोल पानी है गाइस। अगर यहाँ पर अगर ट्यूब लाते ना तो एक नंबर मज़ा आ जाती है यहाँ जाने देखिए। और अभी मैं पूरा पत्थर पर चिपक के खड़ा हूँ, लेकिन आगे जाने का हमको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले पत्थर में पकड़ने की जगह देख लेते हैं हम, फिर हम जाएंगे उधर उस साइड में। और मुझे तैरना आता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम टेंशन ले रहा हूँ। और फाइनली गाइस देखिए अब जगह, इसे कहते हैं गाइस ब्यूटीफुल प्लेस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है पीछे के साइड में देखिए। और इधर अंदर पूरी ऐसी कराड़ है गाइस, लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हमको, अगर रास्ता मिल जाता ना तो ये एक नंबर मज़ा आ जाती। लेकिन आगे कोई हमको जगह नहीं दिख रही है, हम कोशिश करेंगे उधर आगे से अगर जगह होगी तो
तो वहां से जरूर आएंगे। और अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसका व्यू, क्योंकि ऊपर से कितना सुंदर दिखता है और प्यारा दिखता है। तो चलिए अब ऊपर चढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम ऊपर चढ़ जाए, और ये जो पत्थर है गाइस पूरे खड़े हैं ये, तो सबसे पहले तो हम ऊपर चढ़ेंगे। और अभी हमको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि हमको चढ़ना कहाँ से है। हम उतर तो गए थे गाइस, लेकिन अब हमको भी चढ़ना है ऊपर। पहले मैं कैमरा रख देता हूँ एक जगह गाइस, और अब मैं ऊपर चढ़ूंगा। तो अभी तक गाइस मैं नीचे था, लेकिन अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर चढ़ जाएंगे। और ऊपर चढ़ने की गाइस कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, इसी तरीके से पूरा ट्रैक करना पड़ रहा है। तो चलिए अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं। तो फाइनली गाइस बहुत ही मेहनत करने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं। और अभी देखिए हम कहाँ थे वो दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ हम नीचे खड़े थे अभी कुछ समय पहले, और अब यहाँ से आए और देखिए इसका और व्यू। तो इस तरीके से गाइस ये पूरी घाटी है, देखिए गाइस। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई यहाँ खड़े रहे और वो इस साइड में देखे तो उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि नीचे इतनी खाई है। अभी देखिए जस्ट वीरू भाई उस साइड में खड़े है, वीरू भाई हाय। अभी देखिए हम दोनों में डिफरेंस कितना कम है, मतलब वीरू भाई जस्ट मेरे सामने खड़े हैं, और यहाँ से अगर मैं पूछना चाहूँगा तो पूछ जाऊँगा। लेकिन आपको गहराई दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इसकी गहराई देखिए गाइस कितनी है नीचे। तो गाइस यहाँ से गिरे मतलब सीधा काम तमाम, कम से कम 50 फीट से ज़्यादा गहरा है गाइस ये, तो मतलब ये दिखता ही नहीं है, ऐसा लगेगा ही नहीं है। देखिए ऐसे यहाँ पर देखने से आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर इस तरीके की खाई है। चलिए गाइस तो अब निकल रहे हैं हम वापस घर। छोटी जगह थी लेकिन काफ़ी एडवेंचर थी, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने नीचे उतरने की कोशिश करी। और आपको पता था एक जड़ भी तोड़ी थी मैंने, और वो जड़ पकड़ के भी नीचे उतरने की कोशिश करी, लेकिन कोई जगह नहीं मिली जहाँ से हम नीचे उतर सकते थे। और अभी मैं पूरा टॉप के ऊपर खड़ा हूँ, और देखिए हमारे देवा भाई उधर आराम चल रहा है उनका वो बेटे। तो चलिए अभी हम भी वहाँ ही जाएंगे। तो गाइस फटाक से उनके पास उतरते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक और जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।